हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया क्रिएटर टेक वीडियो में। फैंस इस समय में यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का कोशिश कर रहे हैं, मतलब काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ता है ग्रो करने के लिए। इस समय में अगर आपका चैनल आपका कंट्रोल का बाहर चले जाए तो क्या होगा, कभी आप सोचे हैं? फ्रेंड्स, जिस तरह से साइबर क्राइम दिन ब दिन बढ़ती जा रहा है और कुछ ऐसा ही साइबर क्राइम नया स्कैम का वीडियो में लगातार लाते रहता हूं मेरा सभी व्यूअर के लिए। साथ ही साथ आज का जो वीडियो है ये एक नया तरीका का स्कैम का वीडियो, ये स्कैम का शिकार ज्यादा क्रिएटर लोग हर गली में खोला जा रहा है और जिस तरह से एक नया चैनल कुछ ही समय के अंदर मोनेटाइज हो जा रहा है, वायरल हो जा रहा है, तो उस टाइम में स्कैमर लोग कुछ इस तरह का चैनल को टारगेट करता है। अभी आपका चैनल आपका कंट्रोल का बाहर चला जाए उस टाइम में आपका चैनल के अंदर अलग अलग क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड कुछ चीज आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, काफी सारा इस तरह का रिपोर्ट है, तो फ्रेंड्स आज फुल डिस्कस करने वाला हूँ किस तरह से 2024 में एक यूट्यूबर अपना यूट्यूब चैनल को सुरक्षित रखे। फ्रेंड्स, इस टाइम में जिस तरह से हम लोग फिजिकली कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, तो काफ़ी सारा मेहनत रहता है। अगर किसी भी तरह अगर आपका ऑफिस हो या आपका नौकरी हो या आपका कोई बिजनेस हो, कोई अगर आपका बिजनेस में या आपका जॉब में पानी फेर देगा तो उस टाइम में काफ़ी बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। कुछ उसी तरह से जो लोग डिजिटल वर्क करता है, आज के डेट में YouTube के अंदर काफ़ी सारा ऐसा यूट्यूबर है जो अपना अर्निंग YouTube के जरिए ही करता है, तो इस टाइम में इम्पॉर्टेंट हो जाता है YouTube चैनल का सिक्योरिटी। और आज के डेट में ऑनलाइन स्कैम जिस तरह से बढ़ रहा है, एक अनएडुकेटेड पर्सन साथ ही साथ एक एडुकेटेड पर्सन भी स्कैम का शिकार हो रहा है। 2G, 3G, 4G और आज के डेट में 5G यूज़ हो रहा है, कुछ उसी तरह से ऑनलाइन स्कैम भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और ऑनलाइन स्कैम एक ऐसा चीज़ है, कभी भी किसी के साथ किसी भी हो सकता है, इसलिए फ्रेंड फैमिली सर्कल के अंदर वीडियो को जरूर शेयर करिए। फ्रेंड्स, आप रिपोर्ट देख सकते हैं जहां पे काफी बड़ा यूट्यूबर इस स्कैम का शिकार हुआ है। ऐसा बहुत सारा न्यूज है जहां पे काफी सारा बड़ा चैनल साथ ही साथ छोटा चैनल भी ऑनलाइन स्कैमर लोगों ने लूट लिया। काफी इस तरह का चैनल में अलग अलग वीडियो आने लगा, सारा वीडियो को डिलीट कर दिया गया। आप एक बार सोच सकते हैं, जिस चैनल में आप 3 या 4 साल से काम करते आ रहे हैं, आपका सारा वीडियो उस चैनल के अंदर अवेलेबल है 4 साल का, अगर कोई पूरा वीडियो डिलीट कर दे या चैनल उनका कंट्रोल में ले ले, आपका कंट्रोल से उनका कंट्रोल में, तो उस टाइम में क्या होगा, कैसे आप सुरक्षित रखिएगा आपका चैनल? फ्रेंड्स, इस टाइम में ऐसा बहुत लोग ये गलती करता है और कुछ ऐसा गलती के वजह से उनका चैनल उनका कंट्रोल के बाहर चला जाता है, स्कैमर का कंट्रोल में आ जाता है और उस टाइम में पूरा मेहनत में पानी फेर देता है ऑनलाइन स्कैमर लोग। जिस तरह से हम लोग YouTube चैनल क्रिएट करते हैं अर्निंग के लिए और मोनेटाइज हो जाने के बाद, ऑडियंस बेस अच्छा हो जाने के बाद, आपका चैनल के अंदर बहुत सारा प्रोमोट ऑफर आते रहता है। अबाउट अस में या वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग एक ऑफिशियली ईमेल एड्रेस यूज करते हैं जहां पे हम लोग एडवर्टाइज के लिए कॉन्टेक्ट करने के लिए बोलते हैं, तो उस टाइम में उस मेल के जरिए स्कैमर लोगों को आपका ईमेल आईडी मिल जाता है और उसी ईमेल आईडी के अंदर अलग अलग फ्रॉड लिंक भेजते रहता है वो लोग। और किसी भी तरह अगर आपको कुछ इस तरह का लिंक में अगर क्लिक करा लेता है और ऐसा बहुत सारा फाइल भी भेजते रहता है, मैलवेयर वाला फाइल, तो इस टाइम में चैनल को सिक्योर करना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है। फ्रेंड्स, कैसे आइडेंटिफाई करिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, जितना भी प्रोमोट ऑफर आता है प्रोमोट ऑफर को छोड़ दूँ? नहीं, आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जो मेल आपके पास आ रहा है उस ईमेल को तो आपको वेरीफाई करना होगा। बट इस समय में ऑनलाइन में जो ईमेल आपके पास आ रहा है, जो ऑफर आपके पास आ रहा है, काफ़ी लालचदार ऑफर भी आपके पास आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे ये ईमेल देख सकते हैं जहाँ पे Vishal1Worm बोल के एक जीमेल आईडी से एक ईमेल मेरे पास रिसीव हो रहा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक प्रमोट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। इंटरफेस कुछ इसी तरह का है, बट यहाँ पे अगर आप फॉलो करिएगा @gmail.com, बट कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी जीमेल, हॉटमेल या याहू मेल से डायरेक्ट आपको मेल नहीं करता, ये चीज़ आपको ज़रूर नोटिस करना है। किसी भी ब्रांड के तरफ से मेल आ रहा है, मतलब उसका ब्रांड ईमेल आईडी होगा, ब्रांड ऑफिशियल वेबसाइट होगा, साथ ही साथ ब्रांड नंबर भी हो सकता है, ऐसा बहुत सारा ब्रांड है। तो इस समय में अगर आपके पास कुछ इस तरह का ऑफर आता है जहाँ पे बड़ा अमाउंट आपको ऑफर किया जा रहा है, बस छोटा सा ही काम है,
या आपको रेफरल से भी बहुत ज़्यादा अर्निंग का सपोर्ट दिख रहा है। साथ ही साथ जो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अमाउंट जो है, जो एडवर्टाइज आप करिएगा आपका चैनल के अंदर, उसके लिए काफ़ी अच्छा पैसा आपको देने वाला है। और यहाँ पे कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताया जा रहा है लिंक में क्लिक करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी सारा फाइल भी दिया जा सकता है, अटैचमेंट फाइल जो होता है वो अटैचमेंट फाइल आपको दिया जा सकता है। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए जो कंपनी के बारे में आपको मेल आपको भेज रहा है, उस मेल में तो डिटेल्स रहेगा क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, कैसे आपको एडवर्टाइज करना है आपका चैनल के अंदर। तो इस समय में जो कंपनी का नाम आपको दिखा रहा है, मतलब जो बता रहा है, क्या वो ईमेल वो ऑफिशियली ईमेल आईडी से आया है, ये चीज आपको जरूर नोटिस करना है। मतलब ये चीज आपको देखना ही है, तभी रिस्पॉन्स देना है किसी भी ईमेल का। ऐसा मेल मेरे पास बहुत सारा आता है, ये सारा ईमेल के अंदर अलग अलग टाइप का लिंक रहता है, लालचदार प्रमोट का ऑफर आते रहता है मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी के अंदर। तो इस टाइम में आप लोगों के पास भी आ सकता है। और 2024 तो यहाँ पे चैनल को सुरक्षित करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो यूट्यूब चैनल के अंदर एक बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी फीचर्स है, 2-step verification, फाइल नंबर ऐड, साथ ही साथ पासवर्ड को सिक्योर करना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का चीज़ भी आपको ध्यान देना है, कभी भी आपका पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। साथ ही साथ जो OTP है, OTP भी कभी भी किसी को शेयर ना करें। जिस टाइम में यूट्यूब चैनल लॉगिन होता है, बहुत बार OTP वेरीफाई करके भी लॉगिन होता है, तो उस टाइम में आपको OTP अगर किसी भी तरह आप वो OTP शेयर कर देते हैं तो उस टाइम में भी आपका चैनल का नुकसान हो सकता है। तो सावधान रहिए, साथ ही साथ आपका फ्रेंड फैमिली सर्कल के अंदर वीडियो को जरूर शेयर करिए। ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़ोरों से इंक्रीज हो रहा है। इस टाइम में अगर हम लोगों को डिजिटली अर्निंग करना है तो डिजिटली हम लोगों का जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से हम लोग डिजिटली ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करते हैं, उस चीज़ को सिक्योर करना होगा। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको देता हूँ, एक डेमो आपको देता हूँ। मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हैं, आपका एक दुकान है, तो वहाँ पे आप उस दुकान का सेफ्टी के लिए जब आप दुकान बंद छोड़ते हैं तो उस टाइम में आप अच्छा से ताला लगाते हैं, उसके अंदर CCTV कैमरा लगाते हैं, दुकान के अंदर आप CCTV कैमरा लगाते हैं, साथ ही साथ सिक्योरिटी, बहुत लोग बिल्डिंग अपार्टमेंट के अंदर सिक्योरिटी भी रखता है। तो फिजिकली हम लोग इस तरह से सिक्योर करते हैं अपना बिजनेस को। तो इस टाइम में अगर आप डिजिटल बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन क्रिएटर है, तो इस टाइम में आपका जो क्रिएटिविटी है, जहाँ पे आप क्रिएटिविटी करते हैं, वो सारा प्लेटफॉर्म को भी आपको सिक्योर करना होगा और अननोन जो ईमेल, अननोन जो कॉन्टैक्ट है उसको अवॉइड करना है। आपका जितना भी डिजिटल कॉन्टैक्ट सोर्स है आपको अच्छा से जांचना है, जो भी मैसेज, जो भी ईमेल, जो भी टेक्स्ट आता है उसको ध्यान से पढ़ा करिए। साथ ही साथ कोई भी ऐसा अननोन लिंक में क्लिक ना करें, और जो भी ईमेल आईडी से मेल आता है उस ईमेल आईडी को जरूर आप फॉलो करिएगा, क्योंकि बहुत बार जो कंपनी आपको प्रमोट का ऑफर कर रहा है उस कंपनी का ऑफिशियल ईमेल आईडी से मेल आ रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आज का ये क्रिएटर सेफ्टी अपडेट वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। मिलते हैं किसी नया क्रिएटर टेक वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम आउट ट्रेडिंग वीडियो।